है फंक्शन, तो फंक्शन क्या होगा, हम 9th to 10th में पढ़ते आ रहे हैं फंक्शन, तो फंक्शन क्या, अगर मैं फंक्शन की बात करूंगा तो फंक्शन कुछ इस तरीके से समझेंगे, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है यहां से स्टूडेंट, अगर मैं क्या है वो इनपुट देता हूं और यहां पर क्या है आउटपुट मिलेगा, मीन्स यहां से मैं x की वैल्यू उसके अंदर पुट करता हूं, और y हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है स्टूडेंट अगर ओवर 2x माइनस के फंक्शन है, तो फंक्शन यहां पर है स्टूडेंट, तो हम यहां पर अगर x की वैल्यू वेरी करेंगे, मान लीजिए मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो यहां पर y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, तो y की वैल्यू x की वैल्यू में अगर 0 रखता हूं तो यहां 5 मिलेगी, 0 रखा तो यहां पर कितना मिलेगा 3 माइनस 3, मैंने 1 वैल्यू जब यहां रखा तो कितना मिलेगा यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1, जब मैं यहां पर 2 रखूंगा तो 2 2 4 4 3 1, और यहां पर अगर मैं इसमें माइनस 1 रखता हूं तो क्या होगा यहां पर -1, तो -2 -3 -5, नेक्स्ट अगर मैं यहां पर -2 रखता हूं तो -2 2 -4 एंड -3 -7, तो देखिए आप यहां पर मैं जब ना इनपुट चेंज कर रहा हूं मतलब x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो आउटपुट भी चेंज हो रहा है y की वैल्यू, मींस जो फंक्शन होता है वो अगर उसे हम इनपुट देंगे तो वो हमेशा ऑलवेज हमें आउटपुट देगा, मींस क्या है अगर मैं किसी फंक्शन में वैल्यू पुट करता हूं x की जगह पर तो y हमेशा कुछ नहीं